हरियाणा संगठन को धार देने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने अपने ऑब्जर्वर मैदान में उतार दिए हैं। गत बुधवार को नुहू जिले के लिए ऑब्जर्वर सह ऑब्जर्वर बनाए गए दोनों कांग्रेस नेता रेस्ट हाउस नुहू पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से राय शुमारी की। दोनों ऑब्जर्वर इसी माह 27 मार्च को आलाकमान को मेवात जिले की रिपोर्ट सौंप देंगे। मलियाकत अली, आप देख रहे हैं दक्षिण हरियाणा का नंबर वन चैनल मेवात सिटी न्यूज। रोजाना खबरें देखने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बता दें कि होली पर्व के आसपास प्रदेश, जिला, ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। डॉक्टर अब्दुल आजाद एवं सह ऑब्जर्वर रमेश सौदा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस ने हमेशा वापसी की है, संगठन का विस्तार करने की जिम्मेदारी आलाकमान ने दी है। जल्दी ही कई दिन मेवात में गुजारने तथा कार्यकर्ताओं से राय शुमारी कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लोकसभा उम्मीदवार रहे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि 5 राज्यों में असम सहित कई राज्यों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में उनके विधायक पुत्र चिरंजीव राव जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मेवात के लोगों ने उन्हें बड़ी संख्या में वोट दिया था, इसलिए उनका यहां आना जरूरी था। आफताब अहमद उपनेता विधायक दल ने माना कि संगठन विचार में देरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी नुहू जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। संगठन मजबूत होगा तो अच्छे नतीजे आएंगे। कुल मिलाकर देर से ही सही कांग्रेस आलाकमान गुटबाजी की परवाह किए बगैर संगठन को मजबूती देने में जोर शोर से जुटी हुई है। आपको बता दें कि ऑब्जर्वर के दौरे को देखते हुए रेस्ट हाउस कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। लंबे समय बाद कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता एक साथ दिखाई दिए और अपने अपने चहेतों को मनपसंद पदों पर काबिज कराने के लिए ऑब्जर्वर से मिले तथा उनके समक्ष अपनी बात रखी। बुधवार को विधायक आफताब अहमद, विधायक मामन खान इंजीनियर, विधायक मोहम्मद इलियास, पूर्व विधायक हबीबुर रहमान, पूर्व विधायक सईदा खान, प्रदेश सचिव इब्राहिम इंजीनियर सहित कई बड़े नेताओं ने भी शिरकत कर ऑब्जर्वर के सामने अपनी बात रखी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से संगठन के सशक्तिकरण अभियान के तहत ये मुहिम चलाई गई है कि हर क्षेत्र से नीचे ज़मीनी स्तर से लोगों का फीडबैक लेकर, कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेकर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो भी संगठन में नियुक्तियाँ दी की जानी है वो लोगों की राय जानकर कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप हो, और इसी के लिए ज़मीनी स्तर का फीडबैक लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। सभी लोगों से मिल रहे हैं, नेता कार्यकर्ता गण सभी से मिल रहे हैं और सभी की राय लेकर जो भी बात यहाँ की जनमत की बात होगी वही बात हम दिल्ली तक पहुँचेंगे। ऐसी बात नहीं है, कई सालों से कुंभ पड़ा हुआ है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी 130 साल से चल रही पार्टी है और बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। बीच बीच में जैसा कि मैंने अभी कहा है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। ये एक प्रक्रिया होती है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है। 1977 में भी हमने देखी है और 1977 के बाद जिस तरह से 1980 में हम वापस आए, तो ये लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है, उसको हम स्वीकार करते हैं और जो भी कमियां होगी यही तरीका है लोकतंत्र में वापस से सशक्तिकरण का और वापस से लौटने का। नहीं, ऐसा है, हमें ऐसा कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है। जो हमें समय दिया गया है वो यही दिया गया है कि कम से कम 3-4 दिन तक आप इलाके में रहें। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी और इलाके में और भी ज़्यादा रहने की, तो हम 4-5 दिन भी यहाँ पर रहेंगे और यहीं पर रहकर कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करेंगे और उसके बाद अपनी राय रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रभारी विवेक बंसल जी को और कुमारी शैलेंद्र जी को। ये बहुत पहले होना चाहिए था, हम तो ये कहते हैं, लेकिन अब हुआ है। और मैं तो उन तमाम कांग्रेस के साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि संगठन ना होने की वजह से जो नुकसान होता है पार्टी को, उसको यहां नगण्य किया गया। और चाहे लोकसभा की रिजल्ट की बात देख लें हम, चाहे विधानसभा में 100% रिजल्ट दिया, ये हमारे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण और उनका जुझारूपण है कि वो कांग्रेस के साथ उन्होंने अपना, चाहे
लोकसभा हो चाहे विधानसभा, और हम इसका स्वागत करते हैं कि जल्द से जल्द संगठन मजबूत हो तो गांव से लेके जिले और प्रदेश तक इसको कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस की विचारधारा जो आज जरूरी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां आज देश में समाज को बांटने का और अपनी विचारधारा को थोपने का काम कर रही है, कहीं अभी आज़ादी की अभिव्यक्ति है उसको दबाने का काम कर रही है, उसके लिए कांग्रेस के साथी जो हैं बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ सकेंगे और कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस मजबूत होगी तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र भी मजबूत होगा। पहले तो मैं अपने अब्दुल अजीज जो आजाद साहब जो हमारे राजस्थान से आए हैं और भाई महेश जी जो पर्यवेक्षक बन के आए हैं उनका स्वागत करता हूँ। सभी हमारे विधायकगण भी हैं जो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है, पहला जिला है जहाँ पर और झज्जर है जहाँ पर सारे विधायक कांग्रेस के हैं, तो यहाँ तो कांग्रेस पहले ही बहुत मजबूत है। और मैं समझता हूँ कि जो ये चुनाव है, जो पांचों चुनाव हैं राज्यों में, उसमें कांग्रेस जो है मजबूती से लड़ रही है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो। और मैं समझता हूँ कि उसमें हमें आसाम और जो केरला है वहाँ तो मुझे लगता है कि पूर्ण हमें कामयाबी मिलेगी। वेस्ट बंगाल में भी वहाँ पर जिस तरीके से हमारा गठबंधन हुआ है वहाँ भी उम्मीद अच्छी है हमें, और बाकी जो स्टेट हैं सब में हम लोग जीत का परचम लहराएंगे। और जहाँ तक संगठन की बात है, पिछले 7 साल से जो है संगठन नहीं था, और जिसका असर जो है आप जानते हैं कि बीजेपी ने 75 पार का जो नारा लगाया था लोग उसके भाव में बह गए, वरना 31 सीट हमारी आई थी, और जितना भी जो मीडिया चैनल्स थे, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स थे, वो हमारी 8 या 10 सीट दिखा रहे थे, तो मैं समझता हूँ उसका भी प्रभाव पड़ा। लेकिन संगठन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे इलाके थे जहाँ हमारे एजेंट्स वगैरह नहीं थे, तो मैं समझता हूँ संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रतिक्रिया शुरू करी है, आज हमारे जो ये ऑब्जर्वर्स आए हैं, आज रेवाड़ी भी आए हुए थे, तो वहाँ मैंने चिरंजीव को छोड़ दिया, जो मेरे पुत्र हैं वहाँ वो देख रहे हैं, मैं यहाँ आ गया क्योंकि मैंने कहा कि मेवात की हाजिरी भी बहुत ज़रूरी है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा आसान है कि इन्होंने बहुत भारी मात्रा से मुझे यहाँ से जिताया था, तो उस एक तरीके से समर्पण है यहाँ के लोगों का मेरे प्रति, तो इसलिए मैं आया था, ये मैं कहना चाहूँगा। देखिए जी, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती, लोकतंत्र की हत्या हुई है, वो काला दिवस है कल का, कि किस तरीके से पुलिस अंदर घुस के और महिला विधायक और एक 2-3 विधायकों को बहुत बेरहमी से पीटा गया। मैं समझता हूँ कि स्पीकर को उस तरह जांच इसकी करनी चाहिए, अगर स्पीकर नहीं करता है तो राष्ट्रपति जी को इसमें जो है इंटरवीन करके, और इलेक्शन कमीशन को भी इसमें मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि अगर इस प्रकार से अगर विधायकों को पीटा जाएगा सदन के अंदर तो फिर क्या लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र की हत्या हुई है।